सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे कि आपको पीआर कोर्सेज कौन से ऑस्ट्रेलिया में अभी के ट्रेंड में है, कितना उनका पैकेजेस है, एंड इफ़ यू वांट टू सेटल ईयर इन ऑस्ट्रेलिया और इफ़ यू वांट टू गेट अ परमानेंट रेसिडेंसी ईयर इन ऑस्ट्रेलिया, अगर आप ये कोर्सेज करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत ईजी पाथवे हो सकता है। ये वीडियो मैं अभी 2024 में शूट कर रहा हूँ, जब आप ये वीडियो देख रहे रहेंगे तब शायद से कोर्सेस बदल सकते हैं या फिर सैलरी वगैरह पैकेजेस ऊपर या नीचे हो सकता है। सो प्लीज़ डोंट जज मी ड्यूरिंग दैट टाइम। दिस वीडियो इज़ ओनली बाय द टाइम आई एम शूटिंग हियर इन द ईयर 2024, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें है, लाइक बहुत स्टूडेंट्स जहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं एंड आफ्टर दैट दे गो बैक टू द कंट्री एंड दे डू द जॉब देयर, सम ऑफ देम वर्क हियर एंड देन गो बैक टू द कंट्री, सम ऑफ देम वर्क हियर एंड देन दे रियलाइज दैट ओके दे हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेइंग इन द कंट्री फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टॉप 10 कोर्सेस टू पीआर पाथवेज इन ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या है। बहुत लोगों ने वीडियो कवर किया है मुझे पता है, बट मैं अभी 2024 के हिसाब से बात करना चाहता हूँ आप लोग के साथ, ठीक है। सो बिना किसी देरी के वीडियो को चालू करता है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट कोर्स जो लिखा है पीआर पाथवे, मैं सो एक मैं वेबसाइट है द माइग्रेशन डॉट कॉम डॉट एयू, मैं यहाँ पे लेफ्ट में डाल दूंगा, वो वेबसाइट के थ्रू मैं जा रहा हूँ। सो फर्स्ट कोर्स जो है जो बोलते हैं इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग का एवरेज सैलरी जो बोलते हैं दैट इज 66,000 AUD, आप उसको 55 के साथ मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर सकते हो, दिस इज़ पर ईयर, ठीक है। एंड इंजीनियरिंग में आपको बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग हो सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हो, मैकेनिकल हो गया, IT हो गया, सब कुछ ये इंजीनियरिंग फील्ड में आता है। एंड इंजीनियरिंग फील्ड ऐसे एक फील्ड है जहाँ पे ट्रेंडिंग हमेशा रहता है, IT का हमेशा ट्रेंड रहता है ये, अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो इट्स वेल एंड गुड। मैकेनिकल की ट्रेंडिंग हमेशा पर्थ साइड रहता है ये, सो अगेन इट्स अ प्लस पॉइंट इफ़ यू आर डूइंग इंजीनियरिंग। मैं पर्सनली मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मैं भी IT में इंजीनियरिंग किया हूँ, मास्टर्स भी IT में किया हूँ, सो पर्सनली आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर अ IT जॉब फॉर माई वर्क एज अ टेम्प्रेरी रेजिडेंट हियर इन ऑस्ट्रेलिया। तो आप भी अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो बैक इन इंडिया और इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू ऑस्ट्रेलिया, सो इंजीनियरिंग कैन बी अ गुड स्कोप इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म, ओके। सेकेंड होता है अकाउंटिंग। इधर मेरे को मेरा बेस्ट फ्रेंड से पूछ रहा था कि अकाउंटिंग का क्या सीन है, वो अभी यहाँ पे एडिलेड में, सो ही हैज टेकन फाइनेंस, वो बोल रहा कि अकाउंटिंग में है स्कोप बट पीआर पॉइंट्स बहुत ज़्यादा चाहिए अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो। सो फाइनेंस में भी बहुत सारा स्कोप्स है, अगर आप फाइनेंस के थ्रू आना चाहते हो या पे परमानेंट रेसिडेंट होना चाहते हो तो फाइनेंस इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन और एल्स अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट द बेसिक पैकेज ऑफ अकाउंटिंग का सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी एवरेज एनुअल सैलरी जो बोलते हैं दैट इज $75,000। देन आता है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके। इंजीनियरिंग में मैं एक्चुअली IT में मिक्स किया, IT नहीं आता उसमें, सिविल और मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल जो भी है। फिर आता है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये अलग सा है, इसका पैकेज एवरेज इज $89,994। एंड यहाँ पे आपका प्रोग्रामर हो गया, वेब डेवलपमेंट, ICT बिजनेस एनालिस्ट, कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सब कुछ ये फील्ड में आता है। सो भाई इधर भर भर के IT के लोग हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में कितना IT के लोग हैं, इतना वो लोग भर भर के पैसा कमा रहे हैं, दैट्स एब्सोल्युटली ह्यूज। एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इट्स वेल एंड गुड। एंड सिडनी में भी बहुत सारा IT कंपनीज है, बट एक सीन ये है कि मैं भी फ्रेशर हूँ, मेरे को भी IT में एक्सपीरियंस नहीं है, सो स्टार्टिंग में जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, बट नेवरदलेस यू कीप ट्राइंग, मिला तो मिला, नहीं तो फिर कांट हेल्प, इट्स ऑल अप टू गॉड्स हैंड्स। तो इंजीनियरिंग में भी अगर आप कर रहे हो तो मैकेनिकल साइड सब कर रहे हो तो पर्थ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है एज फार एज आई हैव हियर इन ऑस्ट्रेलिया, मैं भी 2 साल से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मेरे को थोड़ा बहुत पता है कि कौन सा एरिया में कौन सा कोर्सेज ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो मेरे सबसे पर्थ साइड अगर आप जाते हो तो मैकेनिकल बहुत वहाँ पे ट्रेंडिंग है, स्टील कंपनीज बहुत कुछ है, बहुत इलेक्ट्रिकल सब कुछ वहाँ पे ट्रेंडिंग है। बट अगर आप वुलोंगोंग साइड, आप मेलबर्न साइड, सिडनी साइड आते हो तो यहाँ पे IT भी बहुत ट्रेंडिंग है, ठीक है। फिर फोर्थ आते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड टीचिंग कोर्सेस हो गया, मास्टर्स इन एजुकेशन हो गया, मास्टर्स इन टीचिंग हो गया, अगेन इट्स अ वेरी गुड स्कोप एंड ईजिली आपको इसमें PR मिल सकता है। नर्सिंग, भाई नर्सिंग कभी नेवर एंडिंग ऑप्शन है नर्सिंग, यहाँ पे वुलोंगोंग में हॉस्पिटल्स है, एडिलेड में हॉस्पिटल्स है, सिडनी में हॉस्पिटल्स है, यहाँ पे मैं जो भी यहाँ पे वुलोंगोंग में बच्चे लोग आए, आधे से ज़्यादा लोग नर्सिंग कर रहे, गर्ल्स आए जो है सब लोग नर्सिंग ही कर रहे हैं, तो नर्सिंग इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन इफ़ यू वॉन्ट टू गेट योर परमानेंट रेसिडेंसी, बहुत जल्दी ऐसे क्विकली PR मिल जाता है नर्सिंग में। एंड अगर आप सैलरी बोलना भूल गया, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का एवरेज सैलरी इज $80,000, नर्सिंग का हो गया एवरेज सैलरी इज $63,000, ओके। मेडिकल कोर्सेज में ये लोग बोल रहे हैं कि रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, गायनेकोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, मेडिकल इमेजिंग,
जनरल मेडिसिन, यूरोलॉजी, ये सब आता है मेडिकल मेडिकल हेल्थ सेक्टर्स में, ठीक है। इनका भी, इनका एनुअल सैलरी कुछ ज़्यादा ही है यार। इट्स रिटर्न 2,77,421 डॉलर्स एनुअली ये लोग कमाते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आई एम नॉट श्योर अबाउट द फैक्ट दैट दे आर सेइंग, बट ये वेबसाइट में मैं बहुत पहले भी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ का मैंने वीडियो बनाया था, और वो एक्चुअली दैट वॉज रियली ट्रू। सो मैं आई होप दैट वॉट एवर दे आर सेइंग इज़ ट्रू, एंड प्लीज़ डोंट जज मी। मैं वेबसाइट के थ्रू ही आप लोग से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। एंड कुछ भी गलत हो रहा है तो माफ़ कर देना प्लीज़। फिर ये मेडिकल कोर्सेस हो गया, फिर आता है डेंटिस्ट्री। यार वुलांगोंग में बहुत डेंटिस्ट्री के लोग हैं। यहाँ पे बोला आप कौन से कोर्स कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कर सकते हो, बैचलर्स ऑफ डेंटल साइंस कर सकते हो, बैचलर्स ऑफ ओरल हेल्थ कर सकते हो, ठीक है। एंड डेंटिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्सेस हियर इन ऑस्ट्रेलिया। नर्सिंग, डेंटिस्ट्री जो टीचिंग वगैरह, बहुत पॉपुलर कोर्सेस है। एंड डेंटिस्ट्री का अगेन एवरेज एनुअल सैलरी यहाँ पे लिखा है कि 2 लाख UT। फिर आता है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का सीन क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को। टूरिज्म हो गया, कुकिंग, बेकिंग, होटल एडमिनिस्ट्रेशन। भाई कुकिंग का भी यहाँ पे शेफ्स लोग जो है दैट इज़ इन द स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। आप बोल रहे हो कि यार इंडिया में क्या है शेफ़ बनाएगा, इधर आ जाओ भाई, शेफ़ लोग का बहुत यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप होटल मैनेजमेंट वगैरह किया है वो इंडिया में, यहाँ पे भी बहुत स्कोप है होटल मैनेजमेंट का। शेफ़्स का यहाँ पे हमेशा ट्रेंडिंग है, यहाँ के लोग को खाना बहुत खाना पसंद है। एंड इफ़ यू आर डूइंग एनी लाइक कुकिंग रिलेटेड कोर्स हियर इन ऑस्ट्रेलिया, इट्स रियली ट्रेंडिंग एंड यू कैन गेट योर PR पाथवेज थ्रू दैट एज वेल। फिर प्लम्बिंग वगैरह हो गया, उसका भी बहुत सारा कोर्सेस है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह का भी बहुत सारा कोर्सेस है अगर आप करना चाहते हो तो। एंड यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंसी उसका भी है, ठीक है। गाय गाय में बहुत चीज़ें मत करना, स्टेप बाय स्टेप जरूर। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में आ रहे हो, स्टूडेंट वीज़ा करो, फिर आपको टेम्प्रेरी रेजिडेंट अप्लाई करना है वो करो, नहीं तो आपको वापस इंडिया जाना है पढ़ाई करने के बाद। चले जाओ, वहाँ पे आके काम कर सकते हो। यहाँ पे आपको जॉब करना है तो यहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। देन अगर आपको फ्यूचर में PR पाथवेज है तो PR का सोचो। ऐसे नहीं है कि PR सोच के यहाँ पे आना, ऐसे कुछ नहीं है। बहुत लोग ऐसे भी आते हैं, दैट्स फाइन, बट ऑलवेज मेक श्योर दैट यू डोंट बी ग्रीडी, बी हैप्पी विथ वॉट एवर यू हैव, ठीक है। मेरा यही एक मोटिव है, क्योंकि अगर आपका वो एक्सपेक्टेशंस नहीं हो सकता है। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे अकाउंटिंग पढ़ने के लिए आ रहे हो, ठीक है, अरे यार हवा क्या, यहाँ पे आप अकाउंटिंग पढ़ने के आ रहे हो, आप बोल रहे हो कि अकाउंटिंग में PR है। आप यहाँ पे 2024 में आए अकाउंटिंग पढ़ने के लिए, 2026 में वो लोग ने रूल्स हटा दिया कि अकाउंटिंग में PR नहीं है। सो यू विल बी डिसअपॉइंटेड, यू विल बी सैड, यू विल बी डिप्रेस्ड। अरे यार मैं इतना पैसा स्पेंड करके PR के लिए यहाँ पे आया अकाउंटिंग में, पर अकाउंटिंग ही निकाल दिया। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, गो विद द फ्लो। अगर आपको PR मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, उसकी कोई बात नहीं। फॉर एक बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं वुलांगोंग में आया था तब रीजनल एरिया है, अभी भी रीजनल एरिया है वुलांगोंग। तब हम लोग का स्टे बैक था 5 ईयर्स, वो स्टे बैक अभी हम लोग का कर दिया है 3 ईयर्स, ठीक है। सो ऐसे ही है, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप, मैं वो उसके हिसाब से बोलाऊंगा, आया था रीजनल के हिसाब से तब 5 ईयर्स था। मैं यहाँ पे आके अभी जस्ट PR अप्लाई करने के 10 दिन पहले रूल चेंज हो गया, एंड तब हो गया 3 साल, कि ठीक है, हम मेरे हाथ में कुछ नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में। वी आर इन अ डिफरेंट कंट्री, वी शुड फॉलो द रूल्स रेगुलेशंस वॉट एवर द गवर्नमेंट इज़ इम्पोजिंग। सो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप बहुत एक्सपेक्टेशन से मत आना कि यार मेरे को PR चाहिए, PR चाहिए, फिर बाद में आपको अगर नहीं मिला या फिर आपको बहुत टाइम रुकना पड़ा है, सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। मेरे को ये एक छोटा सा एक मैसेज देने का था आप लोगों से, मेरे को ये छोटा सा मैसेज देने का था आप लोगों से, ठीक है। बिकॉज इफ़ यू आर हैप्पी, योर एंटायर फैमिली विल बी हैप्पी। इफ़ यू आर हैप्पी, यू विल बी वर्किंग हार्ड, यू विल बी वर्किंग डे एंड नाइट सो दैट योर फैमिली लिव्स हैप्पी। बट इफ़ यू आर सैड, इफ़ यू आर डिप्रेस्ड, देन आपका फैमिली भी ऑटोमेटिकली डिप्रेस हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, आराम से आना, सिंपल, वन बाय स्टेप बाय स्टेप जाओ। गॉड विल बी देयर फॉर यू, गॉड विल बी देयर फॉर एवरीवन, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। छोटा सा सिंपल व्लॉग था, बहुत दिन हो गया यार कुछ बाहर वीयर बाहर कुछ जाके, कुछ ऐसे ऊबर ईट्स वगैरह करके बहुत टाइम हो गया, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। अभी मैं टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा में हूँ, तो मैं अभी मेरे को जितना शिफ्ट्स मिल रहा है ओपन शिफ्ट्स मैं वो ले रहा हूँ, क्योंकि ऊबर ईट्स मनीलॉग में ज़्यादा डिलीवरीज नहीं आती है, इट्स नॉट अ कंसिस्टेंट इनकम। बट इफ़ आई एम वर्किंग इन ए फ्यूल स्टेशन और इफ़ आई एम वर्किंग इन एज केयर, आई नो दैट ओके आई एम गोना गेट 5 आवर्स और 10 आवर्स शिफ्ट, आई एम गोना गेट दिस मच अमाउंट। तो वो एक फिक्स्ड गारंटी है मेरे को कि इतना पैसा मेरे को मिलने वाला है। बट वही है कि ऊबर ईट्स मैंने लॉग मैं बहुत टाइम से किया नहीं हूँ, एंड मैं क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता करने के लिए। मेरे को मैं देखो मैं भी यूट्यूब कंटेंट बना रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा हूँ, एंड देन मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रहा हूँ, एंड देन मेरे को फुल टाइम जॉब अप्लाई करना पड़ता है, फिर खाना बनाना पड़ता है,
बहुत कुछ है यार इतना, फिर जिम जाना पड़ता है, जिम भी ज्वाइन किया है, सो इतना कुछ है कि टाइम ही नहीं मिलता है ऊबर इट्स मेनोलॉग जाने के लिए. बट अपन जल्दी ऊबर इट्स मेनोलॉग नेक्स्ट वीक जाएंगे एंड आई विल जस्ट सी वेदर वी कैन स्टिल मेक मनी फ्रॉम ऊबर इट्स और मेनोलॉग. क्या ट्रेंडिंग चालू है, अपन पूरा सुबह से रात तक निकलेंगे ऊबर इट्स करने के लिए एंड आपको वो वीडियो जल्दी नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा. ठीक है, सो आई होप टू सी गाइस वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन टेक केयर, शेयर, बाय बाय, पीस. मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में. अंटिल देन, बाय बाय.